ओम शांति 25/11/2023 की साकार मुरली। मीठे बच्चे ज्ञान की बुलबुल बन, सारा दिन ज्ञान की टिकलू टिकलू करते रहो तो लौकिक और पारलौकिक मात पिता का शो कर सकेंगे। प्रश्न, कहावत है अपनी घोट तो नशा चढ़े, इसका भावार्थ क्या है? उत्तर, अपनी घोट ना अर्थात बुद्धि योग इधर उधर ना भटका कर एक बाप को याद करना। एक बाप बुद्धि में याद रहे तो नशा चढ़े, परंतु इसमें देह अभिमान बहुत विघ्न डालता है। थोड़ी सी बीमारी हुई तो परेशान हो जाते हैं, मित्र संबंधी याद पड़ते हैं, इसलिए नशा नहीं चढ़ता। योग में रहे तो दर्द भी कम हो जाए। गीत, तूने रात गवाई सोकर। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, स्वयं को माया घोष्ट से बचाने के लिए ज्ञान योग में तत्पर रहना है। मोह रूपी भूत का त्याग कर बाप का शो करना है। ज्ञान की टिकलू टिकलू करनी है। दूसरा, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर बाप से वर्षा लेना है। कल्प कल्प की इस बाजी को किसी भी हालत में गंवाना नहीं है। वरदान, समय प्रमाण रूप बसंत अर्थात ज्ञानी व योगी तु आत्मा बनने वाले स्वशासक भव। समय प्रमाण रूप बसंत अर्थात ज्ञानी व योगी तु आत्मा बनने वाले स्वशासक भव। जो स्वशासक है वह जिस समय चाहे रूप बन जाए और जिस समय चाहे बसंत बन जाए, दोनों स्थिति सेकंड में बना सकते हैं। ऐसे नहीं कि बनने चाहे रूप और याद आती रहे ज्ञान की बातें, सेकंड से भी कम टाइम में फुल स्टॉप लग जाए। पावरफुल ब्रेक का काम है, जहाँ लगाओ वहाँ लगे। इसलिए प्रैक्टिस करो कि जिस समय जिस विधि से जहाँ मन बुद्धि को लगाना चाहें वहाँ लग जाए, ऐसी कंट्रोलिंग व रूलिंग पावर हो। स्लोगन, शांति दूत वह है जो तूफान मचाने वालों को भी शांति का तोहफा दे। शांति दूत वह है जो तूफान मचाने वालों को भी शांति का तोहफा दे। अच्छा, ओम शांति। आप दृष्टि।